आइए परमेश्वर के वचन में से कुछ वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम पुस्तक निकाल, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम पुस्तक उसका दो अध्याय। हालेलुया। प्रेरितों के काम दो अध्याय उसका 42 वचन। रसूल ने करतब दो अध्याय का 42 वचन पढ़ो। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया, परमेश्वर की सच्ची मंडली जिन्हों असी चर्च कहने अंग्रेजी से, आज असी परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के विषय से कुछ गल्लां सिखांगे परमेश्वर के वचन चो। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया जिहड़ी है उहदा स्वरूप किस तरह का है, किहड़े गुण ने परमेश्वर की सच्ची कलीसिया च, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया किहड़े काम करती है। तो 42 वचन च लिखा है सब तो पहली गल, एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली इन अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। पहली जिहड़ी मंडली सी उहदे सारे विश्वासी की करदे सन, लगातार परमेश्वर के दासां कोलों परमेश्वर की सच्ची सिक्ख्या लेंदे सन। डेली दिन नूं भी संगत करदे सन, सुबह भी ते शाम नूं भी संगत करदे सन, ते परमेश्वर के सच्चे वचन की करदे सन, संगत करदे सन, सुबह भी करदे सन, शाम नूं भी करदे सन। असली भाषा देखिया है जिहड़ियां गल्लां परमेश्वर स्वर्ग तो बोलता है वह गल्लां की करदे सन, सुनदे सन। परमेश्वर का वचन पहली मंडली के जीवन का एक अहम हिस्सा सी। पहली संगति परमेश्वर के वचन के बगैर कोई भी काम नहीं सी करदी। हालेलुया। परमेश्वर जिहड़ी हिदायतां दिंदा है रोज़ सानू, रोज़ साडे नाल जिहड़ी गलबात करदा अपने वचन के विचों, इत्थे लिखिया वह लगातार परमेश्वर के प्रेरितों तो रसूलों तो परमेश्वर के सच्चे कलाम की सिक्ख्या लैंदे सन। हालेलुया। ये जिहड़ी पुस्तक है ये अंदर जिहड़ी सिक्ख्या है वो तुहानू पाप तो बचा के रखेगी, पाप दूर रहेगा जो ये सिक्ख्या तुहाडे अंदर रहेगी, तो जो पाप तुहाडे जीवन च आएगा ये सिक्ख्या तुहानू चंगी नहीं लगेगी। हालेलुया। वो प्रेरितां दी सिक्ख्या विच लगे रहे, सब तो पहली गल कीड़ी सी कलीसिया दी, वह परमेश्वर के वचन को सुनदे ते परमेश्वर के वचन ते मनन करदे ते परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन उसारदे सन। हालेलुया। दूसरी गल की है वह लगातार संगति करदे सन, की लिखा के फिर तो पढ़ो जारी रहो। रसूलां दी सिक्ख्या अते अते संगत विच। दूसरी गल कीड़ी सी, सब तो पहली गल परमेश्वर का वचन वह सिखदे सन, दूसरी गल वो लगातार की करते सन, संगति बड़ी जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह कोले होंगे ना, कोलियां नूं सर्दियों अग लगाते हैं, जो कोले कट्ठे रह के उहदे विच पए रहिंदे ना, तुसीं किसे लुहांडे च पार पाते हो अग या किसी जगह अग रख दे चुल्हे च, जो कोले मगदे आ कट्ठे ते वो आपो विच ही एक दूसरे के नाल जुड़ के एक दूसरे की लपट के लिपते रहेंगे है। लेकिन अगर एक कोला अग के बाहर कड़ के रख दो कि होएगा, की होएगा, थोड़े समय से कोला बुझेगा, लेकिन वह कोला बाकी अग के सुलग के कोलियां रहेगा तो बुझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की अग की लपट एक दूसरे को संभाल के रखेगी। इसलिए पहली कलीसिया आपो विच संगत करती सी। हालेलुया। प्रतिदिन संगत करते सन, ये हम चर्च च इतवार को होगी ना संगत, पहली मंडली रोज संगति करती सी। हालेलुया। वो एक दूजे के बारे जानते सन कि यह व्यक्ति कितने चल रहा जीवन का, कि हालात से कि परिस्थितियों जीवन है। हालेलुया। वो सिक्ख्या लेंदे सन,
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ? ਡੇਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ? ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਡਲੀ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡਲੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਡਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ 43 ਵਚਨ ਇਹਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2021 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੜੀ ਅੱਗੇ 2021, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਡਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
फिर वह परमेश्वर के डर के रही है, फिर प्रभु उन्होंने काम करता है। हालेलुया। की करता है? अद्भुत चिन्ह के निशान प्रभु इस कलीसिया से पैदा करता है। जिहड़ी कलीसिया प्रभु की आवाज़ नहीं सुनती है, जिहड़ी कलीसिया संगति करती है आत्मक संगति, जिहड़ी कलीसिया प्रभु भोज लैंदी है, जिहड़ी कलीसिया प्रार्थना करती है, जिहड़ी कलीसिया परमेश्वर तो डरती है ते पाप नहीं करती, उस कलीसिया विच प्रभु वड्डे वड्डे काम करता है। हालेलुया। ते अगे पढ़ो की लिखिया अगला वचन, प्रेम करती सी, लिखा है और सारे कठे रहिंदे सन। अगे पढ़ो की लिखा है, एक दूजे की मदद करते सन, किसी को जरूरत होंगी थी, किसी को कमी पेशी होंगी सी, कोई गरीब से उसकी सहायता करती सी, पहली कलीसिया सारे मिलकर कट्ठे, हम इस तरह नहीं है कलीसिया वाले कट्ठे रहते सन, एक दूसरे को पाप की दलदल चो कढ़ते सन, सहायता करते सन। हुण कलीसिया इस तरह नहीं है, हुण जिहड़ा पाप से डुबिया है उसके उत्ते लोग गल्लां करदे उसके बारे कुसर कुसर करदे है, पर कोई किसी की सहायता नहीं करता। इतने लिखा है तो सारे कट्ठे रहिंदे सन, ते सारियां चीज़ां विच इक दूजे नूं भाईवाल बनाउंदे सन। ते अगे पढ़ो की लिखा है, अते अपनी मिलक अरमाल वेच के जिहड़ी किसी नूं लोड़ हुंदी सी सभनां नूं वंड दिंदे सन, इक दूजे दी सहायता करदे सन। हालेलुया। ते अगे पढ़ो की लिखा है, कोई आनंद कोई खुशी लोगों के जीवन से नहीं देखती, फिक्रां जकड़े है, पैसे की चिंता, भविख की चिंता, बुरा हाल है कलीसिया का। पहली कलीसिया इस तरह की नहीं सी। वचन च की लिखा है वह घर घर संगत करते सन, हूँ घर करते जो मिट्टी कपड़े नहीं कराते, हूँ डर लगता है भुजिया बदाना खुवाना पेगा, चाह बनानी पेगी, रोटी खुवानी पेगी। एक कलीसिया घर घर की करती थी, प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना होती। हालेलुया। हूँ प्रार्थना घर से कराने लिए तुम्हें बहुत बड़ा बहाना चाहिए, कोई मुंडे का विआह होया हो या कोई बहुत वड्डा कारज फिर कितने तुहाडा देखदा हुंदा है, पर पहली संगत इस तरह की नहीं सी। पहली कलीसिया की करती सी, 1646 वचन फिर तो पढ़ो, हर दिनों दिन एक मन हो के हैकल विच लगातार रहिंदे अते घरी रोटी तोड़दे। घरी घरी की करदे? रोटी प्रभु भोज करदे सी, घरी घरी घरां दे विच बैठ के संगत करदे सी, भजन गांदे सी, प्रभु की स्तुति करदे सी, वचन पढ़दे सी, आराधना करदे सी। प्रभु की प्रस्तिश, प्रभु की आराधना करती थी, एक दूसरे की सुधि लेंदी थी। हालेलुया। दूसरे की मदद करती थी, सहायता करती थी कलीसिया, ते की करती थी आनंद के नाल भरी रहती थी, ते रोज यीशु मसीह की आराधना करती थी। पढ़ो अगे, किदां खुशी थे, हम सीधा मन नहीं है, हम मन कि है लोगों का विश्वास है, जलेबी की तरह सीधा है, कपट वाल छल के भरिया मन है, सच्चा प्रेम सच्ची प्रीति नहीं है लोगों के जीवन। पहली मंडली के अंदर क्यों प्रभु काम करता सी, प्रभु चलता फिरता देखता सी, पहली कलीसिया मुर्दे जिंदा होंदे सी, अन्ने वेखते सी, लंगड़े तुरते सी, कोड़ी शुद्ध होंदे सी, प्रभु की सामत काम करती थी, चेलियां की परछाई पैन नाल लोग चंगे हो जाते थे, लोग मंजिया से रख के लिया लोगों परछाई पैंती सी कि लोग चंगे, क्यों? क्योंकि पहली कलीसिया की करती सी, पहली कलीसिया सिक्ख्या लैंदी सी वचन की, पहली कलीसिया की करती सी, सिक्ख्या लैंदी सी, संगत करती सी, कमान हो के पहली कलीसिया प्रभु भोज लैंदी सी, पहली कलीसिया प्रार्थना च मगन रहिंदी सी, पहली कलीसिया यहोवा दे डर दे विच चलदी सी, पहली कलीसिया के प्रभु वड्डे वड्डे काम करता सी,
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੈਰੀ ਵਚਨ ਫਿਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਡਿਆਈ, ਤਾਰੀਫ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਚਰਚ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀਓ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਫਸਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ। ਸਰ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤੁਮ ਯਿਸੂ ਮੇ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਯਿਸੂ ਮੇ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਰੂਹ ਮੇ ਝੂਮੋ ਰੂਹ ਮੇ ਗਾਓ, ਰੂਹ ਮੇ ਝੂਮੋ ਰੂਹ ਮੇ ਗਾਓ, ਯਿਸੂ ਮੇ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਯਿਸੂ ਮੇ ਬਨੇ ਰੂਹ ਮੇ ਗਾਓ, ਰੂਹ ਮੇ ਗਾਓ, ਰੂਹ ਮੇ ਗਾਓ,
किसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हम तेरी मौत को याद करते हैं, स्लीपी मौत को तू हमारे लिए कुचला गया खुदावन। ये रोटी तेरा बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया, ये रास तेरा पवित्र खून जो हमारे लिए बहाया गया खुदावन। यीशु मसीह तूने अपना पवित्र खून हमारे लिए बहाया, तूने अपने जलाली देह हमारे लिए तोड़ी खुदावन। खुदावन अपने आप को स्लीप के सहारे के नीचे लाते, स्लीप से बैठे लहू के सहारे के नीचे लाते वो खुदावन हमें। छू मुझे मैं जैसा भी हूँ, अपनी मामूरी से भर मुझे मेरे मसीह, अपनी हजूरी
तक ये सांस रहे भर मुझे मेरे यीशु रुकी मंगूरी छू मुझे मेरे अपनी मामूली हावी जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी दी और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसने अपनी जलाली देह को आपके और मेरे लिए तोड़ा ताकि आपकी और मेरी देह जोड़ दी जाए। आपके और मेरे बदन से जिस्म से पाप का खमीर निकाला जाए। रोगे रोग लांते बीमारियां बदकारियां आपके और मेरे बदन से निकाल दी जाए। उसकी जलाली देह के कभी लायक नहीं थे पर उसने अपने अनुग्रह अपने फजल से अपनी देह हमारे लिए दे दी ताकि हम यीशु मसीह की देह में मिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा जिस्म खाओ क्योंकि मेरा जिस्म खाने की वस्तु है और मेरा लहू पियो क्योंकि मेरा लहू पीने की वस्तु है। हालेलुया। यीशु मसीह हम तेरी देह जो तूने हमारे लिए तोड़ी इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अपने जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं अपने घुटनों में बैठे और प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु के वचन में लिखा है जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए या इस कटोरे में से पिए वो अपने को दंड लाता है। अगर आप पाप की अवस्था में रोटी खाएंगे कटोरे में से पिएंगे तो आपके ऊपर दंड आ जाएगा सजा आ जाएगी। प्रभु के दास ने लिखा है तुम्हारे में से बहुत रोगी हो गए हैं कई कमजोर हैं और फिर लिखता है कई सो भी गए हैं कई मर जाते हैं जो प्रभु भोज का आदर नहीं करते। यीशु मसीह की देह को तुच्छ जानते हैं यीशु मसीह के खून को तुच्छ जानते हैं पाप भी करते हैं प्रभु भोज भी देखते हैं। तो अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें प्रभु के चरणों में अपने हाथ उठाओ जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं। आंखें बंद करें मेरे संग संग प्रार्थना करें। मेरे संग संग है प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो मेरे पाप मेरी बदकारियां मेरा धर्म मुझे माफ कर मेरे जीवन पे अपनी करुणा अपनी दया की बारिश कर। ये प्रभु भोज मुझे नई शक्ति दे मुझे नया बल दे पवित्र आत्मा की नई सामर्थ्य मेरे अंदर भर दे। तेरी रोटी से और इस कटोरे से तेरे जिस्म से तेरे लहू से मैं कुओं से भर जाऊं मुझ पे दया कर। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। उसी बात में बोले तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय हो। तेरी जलाली देह के लिए तेरे जलाली देह के लिए तेरा धन्यवाद 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 तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ब्याही के बाद उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया और कहा ये नई वाचा का मेरा खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु तेरे पवित्र लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद ये पवित्र लहू जो तूने हमारे लिए बहाया यीशु मसीह इस जलाली लहू के लिए तेरा धन्यवाद। हम तेरे खून में से पीने और तेरे बदन में से खाने के लायक नहीं थे पर तूने अपने अनुग्रह से हमें इसके लायक बनाया। यीशु मसीह तेरे जिस्म पे तेरे बदन पे तेरे खून पे तेरी कुदरत समा गई। तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद।
यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरे लहू की दया हो। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।